तो आपने देखा कि किस प्रकार मुख्य जनरल में वो सभी छूटी हुई प्रविष्टियां लिख दी जाती है जिन्हें अभी तक किसी सहायक बही में स्थान नहीं दिया गया है या जिनके लिए पृथक से कोई सहायक बही नहीं बनाई गई है। अब हमारा अगला स्टेप जो हम देखेंगे रोकड़ बही के रूप में। हमने संक्षिप्त में पहले भी जाना है कि रोकड़ बही क्या है, कितने प्रकार की होती है, किस तरह से बनाई जाती है। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि वास्तव में इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है। एक नज़र हम इसके अर्थ पर बिंदुवार डालें तो हम कह सकते हैं कि जिस बही में केवल रोकड़ संबंधी व्यवहार, मतलब केवल नगद व्यवहार का, नगद लेन देन का, नगद क्रय विक्रय का लेखा किया जाता है, वो रोकड़ बही है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि इसमें उधार क्रय विक्रय का किसी प्रकार का लेखा नहीं किया जाता। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने रोकड़ बही बना ली तो फिर हमको अलग से रोकड़ खाता खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम बात करें इसके कुछ लक्षण और विशेषताओं की, तो इसका सबसे पहला लक्षण है कि ये प्रारंभिक लेखे की बही है। जो भी व्यवहार होते हैं सबसे प्रारंभ में वो रोकड़ बही में लिख दिए जाते हैं। दूसरा, नगद व्यवहारों का, एक इसकी विशेषता ये है जैसे हमने अर्थ में भी जाना कि केवल नगद व्यवहारों का लेखा इसमें किया जाता है। इसी तरह खाता बही का एक अंग माना जाता है क्योंकि इसमें जो टोटल होते हैं, जो बैलेंस टोटल बताता है, उन्हीं बैलेंस के आधार पर उन्हीं को हम खाता बही में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर आगे की एंट्रीज उसमें करते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि खाता बही का आधार है। ठीक इसी प्रकार जमा और नाम यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड, जैसे राशि प्राप्त होती जाती है तो हम उसको रोकड़ खाते के डेबिट साइड में लिखते जाते हैं और हम भुगतान करते जाते हैं तो उसकी राशि को हम क्रेडिट साइड में लिखते जाते हैं। और साथ ही साथ प्रारंभिक शेष भी और अंतिम शेष दोनों ही इसमें हम निकालते हैं। प्रारंभिक शेष जो पहले से रहता है हमारे पास उसको हम ट्रांसफ़र करके कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं और उसके बाद हम कैश अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद जो शेष आता है उस अकाउंट का वर्ष के अंत में या मंथ के अंत में जिस तरह से वो बनाया गया, लास्ट में जो शेष आता है वो हम अंतिम शेष के रूप में रोकड़ बही के अंतर्गत लिखते हैं। फिर हम इसमें देखते हैं कि बैंकों का लेखा भी इसके अंतर्गत किया जाता है। बैंक संबंधी जितने भी व्यवहार होते हैं, बैंक में पैसा जमा किया, बैंक से पैसा निकाला, चेक जमा किया, चेक जारी किया, बैंक ने व्यय लगाए, बैंक से ब्याज प्राप्त हुआ, ऋण लिया, बहुत सारे बैंक से रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं उन सारे की एंट्रीज इसके अंदर की जाती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बट्टे को भी इसमें स्थान दिया जाता है, यानी कि बट्टे का लेखा भी इन बहियों में अलग से अलग कॉलम में किया जाता है। तो ये तो हमने बात कही कि इसके लक्षण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। अब क्यों बनाया जाए रोकड़ बही, क्या महत्व है इसका, क्या लाभ होता है रोकड़ बही बनाने से, आइए इस पर एक नज़र डालें। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक तो इससे हमको कैश इन हैंड यानी अहस्तस्थ रोकड़, या हम कह सकते हैं कि कितनी रोकड़ हमारे पास वर्ष के अंत में बची है, इसका ज्ञान होता है। क्योंकि जब हम रोकड़ बही बनाते हैं तो रोकड़ शेष हमको वहाँ से अंत में पता चल जाता है। उसी तरह त्रुटियों पर नियंत्रण होता है क्योंकि हम नगद व्यवहार के लिए पूरा लेखा ही अलग कर देते हैं, केवल नगद की प्रविष्टि वहाँ पर हम करते हैं तो गलती होने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। तीसरी आवश्यकता इसलिए भी है कि इससे समय की बचत होती है। जब हमने सभी सहायक बहियों को अलग अलग स्थान दे दिया, हमने माल के क्रय को, विक्रय को, क्रय वापसी को, विक्रय वापसी को, सभी को अलग अलग स्थान दे दिया और अब केवल नगद व्यवहारों के लिए हमने रोकड़ बही रख दी और जो रोकड़ व्यवहार से संबंधित जो व्यक्ति होगा वो रोकड़ व्यवहार से संबंधित खातों को ही बनाएगा, बहियों का ही निर्माण करेगा, तो कहीं ना कहीं इससे समय और श्रम दोनों की बचत होगी। बट्टे से संबंधित व्यवहार, बैंक से संबंधित व्यवहार क्योंकि इसके अंतर्गत किए जाते हैं तो अगर हमको बैंक संबंधी किसी व्यवहार की जानकारी लेनी है तो हम बहुत आसानी से रोकड़ बहियों से प्राप्त कर सकते हैं कि हमको हमने कितना पैसा जमा किया, कितना पैसा हमने निकाला, कब ब्याज मिला, इससे संबंधित जो भी जानकारी हम बहुत आसानी से रोकड़ बहियों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर बट्टे की बात करें तो क्योंकि बट्टे का उल्लेख भी इसके अंतर्गत किया जाता है तो बट्टा कितना दिया गया, कितना प्राप्त हुआ, ओवरऑल क्या स्थिति है बट्टे की, कितना बट्टा लिया दिया, सारी चीज़ें हमको रोकड़ बही के माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं।
एक इसके महत्वपूर्ण विशेषता हम कह सकते हैं, इसका महत्व ये भी है कि रोकड़ कुल मिलाकर पूरा नगद व्यवहार, चाहे वो कैश से रिलेटेड हो या बैंक में जमा राशि से रिलेटेड हो, कुल मिला के रोकड़ की जो सही स्थिति है या हम कहें कि आर्थिक स्थिति जो है उसकी जानकारी हमको इन बहियों के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। तो ये इसके महत्व और लाभ हैं। हम कई बार ये कहते हैं कि रोकड़ बही जो है, हालांकि वो सहायक बही है लेकिन वो प्रधान बही भी है, यानी कि मुख्य अकाउंट है। तो किन किन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि रोकड़ बही जो है वो प्रधान बही है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें सौदों का, क्योंकि प्रारंभिक लेखा किया जाता है, सबसे पहले जो प्राइमरी एंट्रीज है वो हम इसके अंतर्गत करते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि इसी की सहायता से इसके जो बैलेंस होते हैं उसी की सहायता से हम खाता बही में प्रविष्टि करते हैं, तो ये एक प्रधान बही कही जा सकती है। तीसरा हम कहते हैं कि यदि नगद व्यवहार का लेखा रोकड़ बही में नहीं किया जाता तो फिर मुख्य जनरल में इसकी प्रविष्टि हमको करनी होती, लेकिन हम इसके लिए अलग से सहायक बही ना रख के केवल रोकड़ बही में हम इसकी प्रविष्टि कर दे रहे हैं, यानी कि अपने आप में अगर नहीं करेंगे तो फिर रोकड़ की एंट्री कहीं हो ही नहीं पाएगी, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो इन तर्कों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रोकड़ बही जो है वो प्रधान बही है। अब दूसरी बात ये निकल के आती है कि रोकड़ बही जो है वो खाता बही का ही एक अंग है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि क्योंकि रोकड़ बही का जो बैलेंस होता है वो खाता बही में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि रोकड़ बही के आधार पर उससे रिलेटेड या प्रभावित जो पक्षकार होते हैं उनके खातों का हम निर्माण करते हैं। एक बिंदु यहाँ पे ये भी देखने के लिए आती है कि द्विप्रविष्टि प्रणाली पर आधारित है, क्योंकि जो पूरा लेखांकन का सिद्धांत है वो दोहरा लेखा प्रणाली, यानी कि एक पक्ष पाने वाला होता है तो दूसरा पक्ष लेने वाला होता है, इस सिद्धांत पर आधारित है। और साथ ही साथ इसमें हम देखते हैं कि इसमें बैंक से संबंधित सूचनाएँ, रोकड़ से संबंधित सूचनाएँ, बट्टे से संबंधित सूचनाएँ, सभी प्रकार की सूचनाएँ प्राप्त हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक मुख्य बही एक प्रधान बही का रूप है, ये है। अब हम बात करें कि रोकड़ बही में लेखा किस प्रकार किया जाता है, रोकड़ बही में लेखा करने की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि रोकड़ खाता जो होता है, जो हम खाता बही में जब बनाएंगे तो रोकड़ खाते की तरह ही हम इसमें प्रविष्टि करते हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जो कॉलम होते हैं इसका एक प्रारूप निश्चित नहीं हो सकता है कि क्या प्रारूप होगा, आवश्यकता के अनुरूप हम इसमें परिवर्तन करते जाते हैं। दूसरा इसमें हम देखते हैं कि जितनी भी प्राप्तियां हैं वो पूरी की पूरी प्राप्ति डेबिट साइड में और जितने भी खर्च हैं वो पूरे के पूरे खर्च क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं। कुल मिलाकर ये गोल्डन रूल पे ही डिपेंड है, ये गोल्डन रूल पे ही आधारित पूरा का पूरा है, क्योंकि हमने देखा कि सभी की सभी प्राप्तियाँ जो है वो डेबिट में कैश अकाउंट के और सभी के सभी व्यय जो है वो क्रेडिट में कैश अकाउंट के हैं आए हैं। ये कुल मिलाकर इस नियम पर आधारित है कि जब भी रोकड़ जो है वो व्यापार में आती है तो डेबिट होता है रोकड़ खाता, और जब भी व्यापार से रोकड़ जाती है तो रोकड़ खाता क्रेडिट होता है। इसी के आधार पर यहां पर प्रविष्टि की जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि रोकड़ बही में शेष कैसे निकाला जाता है। तो नॉर्मली जैसे हम बैलेंस निकालते हैं, यानी कि रोकड़ खाते का जो डेबिट टोटल है और रोकड़ खाते का जो क्रेडिट टोटल है दोनों को हम कंपेयर करते हैं, ज़्यादा में से कम वाले को हम घटाते हैं और उसके बाद हम बैलेंस निकाल लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखने योग्य है कि रोकड़ खाते का जो डेबिट पक्ष है वो हमेशा ज़्यादा होता है क्रेडिट पक्ष से, यानी कि दोनों को अगर कंपेयर करें तो हमेशा आपको रोकड़ बही का डेबिट पक्ष ही ज़्यादा दिखाई देगा जबकि क्रेडिट पक्ष कम होगा। इसका कारण ये है कि जितनी उस व्यापारी के पास राशि रहती है, मिलती है, प्राप्त होती है, उतना ही वो खर्च करता है, उससे ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकता। लेकिन बात अगर हम करें बैंक कॉलम की तो वो डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम या क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि कई बार बैंक जो होता है वो अपने ग्राहकों को ओडी यानी कि ओवरड्राफ्ट अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान करता है, और अधिविकर्ष की सुविधा के अंतर्गत जो व्यक्ति जो ग्राहक जो होता है वो जो उसकी राशि जमा होती बैंक में उससे ज़्यादा की राशि भी कई बार वो निकाल सकता है। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिनके कारण बैंक खाता जो होता है वो डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है। अब अगर हम बात करें रोकड़ बही के प्रकार की, तो रोकड़ बही यहाँ पर
चार प्रकार की होती है। हमने पहले भी संक्षिप्त में इसमें इसको देखा कि साधारण रोकड़ बही, द्विस्तंभी रोकड़ बही, त्रिस्तंभी रोकड़ बही और लघु रोकड़ बही। आइए साधारण रोकड़ बही पर एक नज़र डालें। तो साधारण रोकड़ बही से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि इसमें केवल नगद व्यवहार का लेखा किया जाता है, इसमें बट्टे का लेखा नहीं किया जाता, बैंक संबंधी कोई प्रविष्टि नहीं की जाती और उधार व्यवहार का लेखा इसके अंतर्गत नहीं किया जाता। तो आइए हम साधारण रोकड़ बही के प्रारूप पर एक नज़र डालें। नगद पूंजी से व्यापार निम्नलिखित व्यवहारों को राजेश की साधारण रोकड़ बही में प्रविष्ट कीजिए। नगद पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया 40,000 रुपए, जनवरी 3 नगद फर्नीचर खरीदा 3,000 रुपए, जनवरी 5 नगद माल खरीदा 10,600 रुपए, जनवरी 7 नगद माल बेचा 4,400 रुपए, जनवरी 10 गणेश से प्राप्त हुए 8,000 रुपए, जनवरी 15 शंकर को चुकाए 4,000 रुपए, जनवरी 20 कार्यालय व्यय को चुकाए 3,750 रुपए, जनवरी 21 विज्ञापन के लिए दिए 6,000 रुपए, जनवरी 25 सुरेश से माल खरीदा 5,000 रुपए, जनवरी 27 कमीशन के प्राप्त किए 1,000 रुपए, जनवरी 28 व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले 2,000 रुपए, जनवरी 29 सुरेश को भुगतान किया 4,000 रुपए, जनवरी 31 वेतन दिया 1,000 रुपए, जनवरी 31 मजदूरी दी 500 रुपए। इन व्यवहारों के आधार पर हमको साधारण रोकड़ बही यहाँ पर बनाना है, क्योंकि नगद संबंधी व्यवहार यहाँ पर दिए गए हैं और नगद संबंधी व्यवहार के लिए हम रोकड़ पुस्तक बनाते हैं। क्योंकि साधारण रोकड़ बही यानी कि सिंपल एक कैश कॉलम की रोकड़ बही हमको यहाँ पर बनानी है और खतौनी यानी कि लेजर के नियमों के अनुसार हमको इसकी पोस्टिंग यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर जब हम खतौनी के नियमों के अनुसार इसकी प्रविष्टि करेंगे तो हम देख रहे हैं कि रोकड़ पुस्तक में जो कॉलम बनेंगे वो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, एक डेबिट कॉलम और एक क्रेडिट कॉलम। यहाँ पर जैसे जैसे हम प्रविष्टि करते जाएंगे उनकी जनरल एंट्री के बेस पर लेजर पोस्टिंग कैश अकाउंट में करते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी जो जनरल एंट्री होती है वो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट जनवरी 1 और यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट 40,000 से। सेकेंड जो पॉइंट है वो है फर्नीचर परचेस विद कैश, नगद फर्नीचर खरीदा। तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब टू कैश यानी कि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट 3,000। इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं 5 जनवरी को नगद माल खरीदा 10,600। तो जब हम नगद माल खरीदेंगे तो हमारी जनरल एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो टू कैश अकाउंट यानी कि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। हमको पूरे एंट्रीज में केवल कैश अकाउंट को फोकस करना है कि कैश अकाउंट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी जनरल एंट्री हो रही है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम यहाँ पर एंट्री करेंगे 5 जनवरी से बाय परचेस अकाउंट 10,600 से। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं 7 जनवरी को सोल गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा। तो क्योंकि यहाँ पर हम नगद माल बेच रहे हैं तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश अकाउंट क्योंकि डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम यहाँ पर लिखेंगे टू सेल्स और अमाउंट लिखेंगे 4,400। उसके बाद हमारी एंट्री है गणेश से प्राप्त हुए, क्योंकि गणेश से हमको कैश मिल रहे हैं तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश। तो कैश अकाउंट क्योंकि डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम डेट डालेंगे और लिखेंगे टू गणेश।
और 8000 से हम उसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट 15 जनवरी को हम देख रहे हैं पेड टू शंकर, शंकर को चुकाए, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी शंकर डेबिट टू कैश। अब यहाँ हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो हम अपने कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसकी अपोजिट एंट्री यानी कि बाय शंकर से इसकी प्रविष्टि हम करेंगे बाय शंकर और 4000 से हम इसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट 20 जनवरी को हमारी एंट्री हो जाएगी ऑफिस एक्सपेंसेस पेड, कार्यालय वे चुकाए, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब क्योंकि हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो हम कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट और 3750 की एंट्री करेंगे। अब विज्ञापन के लिए हमने खर्च किए हैं पेड टू एडवर्टाइजमेंट, तो क्योंकि ये व्यय है इसकी एंट्री जनरल एंट्री हो जाएगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो फिर से कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट 6000। नेक्स्ट 25 जनवरी को हमारी एंट्री होगी यहाँ पर सुरेश से उधार माल खरीदा। अब क्योंकि उधार माल खरीद रहे हैं यहाँ पर, तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू सुरेश। अब यहाँ पर कहीं पे भी इस एंट्री में कैश अकाउंट प्रभावित नहीं हो रहा है, तो 25 जनवरी की एंट्री यहाँ पर नहीं की जाएगी। 27 जनवरी को हम देख रहे हैं कमीशन के प्राप्त हुए, हमने कमीशन रिसीव किया है, तो यहाँ पे हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अब क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कमीशन और 1000 से इसकी एंट्री हम करेंगे। 28 जनवरी को एंट्री हो जाएगी हमारी व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जब हम विड्रॉल करते हैं तो हमारी एंट्री होती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्योंकि यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ड्रॉइंग अकाउंट 2000। नेक्स्ट 29 जनवरी को एंट्री करेंगे हम पेड टू सुरेश, सुरेश को भुगतान किए, या हमारी जनरल एंट्री होगी सुरेश डेबिट टू कैश। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है, तो हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सुरेश और 4000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट 31 जनवरी को हम देख रहे हैं सैलरी पेड, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और यहाँ कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय सैलरी 1000 और उसके बाद 31 जनवरी का पॉइंट है पेड वेजेस मजदूरी दी, तो हम यहाँ जनरल एंट्री इसकी करेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और यहाँ हम देख रहे हैं कि कैश अकाउंट हमारा जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ लिखेंगे बाय वेजेस। अब हमने लेजर के अकॉर्डिंग इस कैश सिंपल कैश बुक जो है उसकी सारी एंट्रीज कर ली है, अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। डेबिट टोटल में से हम क्रेडिट टोटल को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेबिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 53,400, तो इस 53,400 में क्रेडिट साइड का जो टोटल है उसको हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा बैलेंस आ जाएगा 31 जनवरी को 18,550 जो कि क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो यहाँ हम इसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 18,550 और फिर 53,400 से इस पूरे अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। रोकड़ बही के दूसरे प्रकार के अंतर्गत आता है द्विस्तंभी रोकड़ बही। अब इसका पूरा का पूरा प्रारूप साधारण रोकड़ बही के साथ जैसा ही है, लेकिन हमने रोकड़ बही की विशेषताओं में देखा कि इसका जो आकार होता है, इसके जो कॉलम होते हैं, वो सुविधानुसार घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं। तो द्विस्तंभी रोकड़ बही की अगर हम बात करें तो इसमें राशि यानी कि कैश राशि कैश अमाउंट के साथ साथ बट्टे का भी कॉलम होता है। क्रय या विक्रय की दशा में बट्टा दिया या लिया जाता है, तो बट्टे का कॉलम भी इसमें होता है। रोकड़ और बट्टा दो कॉलम होने के कारण इसको हम द्विस्तंभी यानी डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं। अब हम बात करें इसके द्विस्तंभी खाते बही के खतौनी की,
तो यहाँ पर कैश अकाउंट तो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है जैसे कि हमने पहले भी देखा, लेकिन इसके अतिरिक्त जो पक्षकार प्रभावित होते हैं उनका खाता बनाया जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि मोहन से नगद राशि प्राप्त हुई, तो हमारी जनरल एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हमने मोहन लिखा है, तो मोहन से जो प्राप्त हुआ है, मोहन जो सेकंड पार्टी है उसका हमको खाता बही बनाना पड़ेगा। साथ में क्योंकि बट्टा भी एक पक्षकार, बट्टा भी प्रभावित हो रहा है, तो बट्टे के लिए भी हमको खतौनी करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि माल खरीदा और बट्टा प्राप्त हुआ, अब इसकी जनरल पोस्टिंग हो गई रोकड़ खाता, जिससे भी हमने माल खरीदा तो हमारी एंट्री हो जाएगी क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाता से बट्टा खाता से। तो बट्टा क्योंकि क्रेडिट हो रहा है तो हम बट्टा खाता यहाँ पर बना सकते हैं, बट्टा खाता के क्रेडिट साइड में हम क्रय खाता को इस प्रकार लिखकर प्रविष्टि कर सकते हैं। वैसे ही अपोजिट हो सकता है कि माल बेचा और बट्टा दिया, तो जनरल हमारी एंट्री यहाँ पर क्या होगी, रोकड़ खाता डेबिट बट्टा खाता डेबिट विक्रय खाता से। तो यहाँ पर हम एक बट्टा खाता बना सकते हैं, बट्टा खाते के डेबिट साइड में हम विक्रय खाता से लिख सकते हैं। तो इस तरह की प्रविष्टियाँ यहाँ पर की जा सकती हैं। तो आइए द्विस्तंभी रोकड़ बही से संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें। मैसर्स चटर्जी एंड सन्स के निम्नलिखित लेन देनों से रोकड़ और बैंक खानों वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए। 2008 दिसंबर 1 कैश इन हैंड हस्तस्त रोकड़ 2,20,000, बैंक में रोकड़ 60,000, 3 दिसंबर बैंक में जमा किए 80,000, 4 दिसंबर माल क्रय किए एवं चेक जारी किए 34,000, 7 दिसंबर नगद क्रय 16,000, 8 दिसंबर चेक द्वारा कमीशन चुकाए 12,000 रुपये, 9 दिसंबर व्यक्तिगत प्रयोग के लिए बैंक से निकाले 2,500 रुपये, 12 दिसंबर वेद से पूर्ण भुगतान में 6,000 रुपये प्राप्त हुए जिसमें से आधी राशि उसी दिन बैंक में जमा कर दी गई, 16 दिसंबर बैंक द्वारा ब्याज संग्रहित किए गए 14,000, 20 दिसंबर नगद विक्रय 42,000, 22 दिसंबर वेतन चुकाए 40,000, 22 दिसंबर सोना एंड कंपनी को माल विक्रय किया 36,000, 23 दिसंबर सोना एंड कंपनी से 300 रुपये कटौती घटाकर शेष राशि का चेक प्राप्त हुआ 35,700, 26 दिसंबर सोना एंड कंपनी से प्राप्त चेक बैंक में जमा किए। अब यहाँ पर हमको डबल कॉलम कैश बुक बनानी है, द्विस्तंभी रोकड़ बही और कैश और बैंक कॉलम वाली। तो सबसे पहले यहाँ हम प्रविष्टि देखते जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं दिसंबर 1 को कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, हाथ में रोकड़ बैंक में रोकड़ का बैलेंस दिया गया है, तो इसे हम जो हमारी डबल कॉलम कैश बुक है इसके बैलेंस, इसके डेबिट साइड में सबसे पहले हम बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। 1 दिसंबर हम डेट डालेंगे और बाय और टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, और कैश कॉलम में हम लिखेंगे 2,20,000 और बैंक कॉलम में हम लिखेंगे 80,000। सेकेंड हमने बैंक में जमा किए, तो जब हम बैंक में जमा करेंगे तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बहुत सावधानी से इसको समझना है आपको, क्योंकि यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट भी प्रभावित हो रहा है और कैश अकाउंट भी प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पर जब इस प्रकार की एंट्री हम करते हैं तो हमको डबल एंट्री, दो बार एंट्री हमको उसकी दोनों पक्ष में करनी पड़ती है, और ये जो दोनों पक्ष में जो एंट्री होती है उनको हम विपरीत प्रविष्टियां या फिर कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। और जब हम इस तरह की कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं तो वहां पर हमको LF कॉलम में इसकी एंट्री के सामने सी लिख देना चाहिए, जिससे हमको ये पता चल जाए कि ये जो व्यवहार है इसकी हमने कॉन्ट्रा एंट्री की हुई है। तो फिर से हम देखते हैं कि जब हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं तो जनरल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यही हमारा बैंक अकाउंट है और यही हमारा कैश अकाउंट है, तो इसलिए हम, क्योंकि जनरल एंट्री हुई है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के डेबिट कॉलम में 3 दिसंबर की डेट डालते हुए बैंक अकाउंट के डेबिट कॉलम में हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और उसकी जो राशि है उसको हम बैंक कॉलम में लिखेंगे 80,000, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए राशि को हमको बैंक कॉलम में लिखना है। अब क्योंकि यहाँ पर एंट्री हुई है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
तो कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो यही कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और 80,000 हम कैश कॉलम में लिखेंगे क्योंकि क्रेडिट जो हो रहा है वो कैश अकाउंट हो रहा है। और इसके सामने एलएफ कॉलम में हम सी लिखेंगे यानी कि कॉन्ट्रैक्टर लिख देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं 4 दिसंबर को माल क्रय किए एवं चेक जारी किए, मतलब खरीदे गए जो माल है उसका भुगतान चेक से किया गया है। तो यहाँ जनरल एंट्री हमारी होती है परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब क्योंकि बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट और 34,000 की जो अमाउंट है वो बैंक अकाउंट में जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं कैश परचेस नगद माल खरीदा, तो जब हम नगद माल खरीदते हैं तो यहाँ हमारी एंट्री होती है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो फिर से यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो 7 दिसंबर को हम एंट्री करेंगे बाय परचेस अकाउंट, अपोजिट एंट्री हम करते हैं, जो अकाउंट प्रभावित होता है उससे अपोजिट जो रहती है। तो 7 दिसंबर को बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट और इसकी जो अमाउंट है 16,000 वो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि कमीशन चुकाया गया है और कमीशन चुकाते समय हमने चेक दिया है, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से दिया गया है तो टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर ये जो 12,000 रुपए की अमाउंट है ये क्योंकि बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय कमीशन अकाउंट 12,000। 9 दिसंबर को व्यक्तिगत प्रयोग के लिए बैंक से निकाले मतलब आहरण किया है हमने, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि फिर से बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हम बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ड्रॉइंग अकाउंट, और क्योंकि बैंक से रिलेटेड है ये बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा था तो बैंक कॉलम में हम 2,500 की अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद 12 दिसंबर को हम देख रहे हैं कि वेद से पूर्ण भुगतान में 6,000 रुपए प्राप्त हुए जिसमें से आधी राशि उसी दिन बैंक में जमा कर दी गई। इसका मतलब ये है कि वेद से हमें टोटल 6,000 रुपए प्राप्त हुए हैं, चेक से प्राप्त हुए हैं, और इसमें से आधा जो है वो उसी दिन बैंक में जमा किया, यानी जिस दिन हमको मिला उसी दिन बैंक में जमा हो गया। तो यहाँ पर हमारी जो जनरल एंट्री होगी वो हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू वेद अकाउंट, क्योंकि 50-50 करना है, आधा कैश आधा चेक। तो यहाँ हमारी एंट्री हमने देखा कि बैंक अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू वेद अकाउंट, तो बैंक एंड कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे 12 दिसंबर टू वेद अकाउंट और 3,000 के अमाउंट हम कैश अकाउंट में डाल देंगे, कैश कॉलम में लिखेंगे, और बाकी 3,000 के अमाउंट को हम बैंक कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट 16 दिसंबर को हम देख रहे हैं कि बैंक द्वारा ब्याज संग्रहित किया गया मतलब इंटरेस्ट दिया गया, तो क्योंकि ये ब्याज है बैंक से मिला है तो यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे यहाँ पर 16 दिसंबर को टू इंटरेस्ट अकाउंट और 14,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट 20 दिसंबर को कैश सेल दिया हुआ है, नगद विक्रय दिया हुआ है, तो कैश सेल जब हम करेंगे तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट और अमाउंट जो है 42,000 की वो कैश कॉलम में जाएगी। नेक्स्ट 22 दिसंबर को वेतन चुकाया सैलरी दी गई है, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी सैलरी डेबिट टू कैश, तो क्योंकि कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है तो हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सैलरी और 40,000 की जो अमाउंट है उसको हम कैश कॉलम में लिखेंगे। 22 दिसंबर को यहाँ पर एंट्री दी गई है सोना एंड कंपनी को माल विक्रय किया। अब क्योंकि यहाँ पर सोना एंड कंपनी को माल बेचा यानी कि समझ में आ रहा है कि ये उधार विक्रय है 36,000 का, और उधार विक्रय की जो एंट्री है वो यहाँ कैश कॉलम में नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि जब हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे तो ये जनरल एंट्री हो जाएगी सोना एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो ना तो इसमें कैश अकाउंट प्रभावित हो रहा है ना ही बैंक अकाउंट प्रभावित हो रहा है, इसकी हम एंट्री नहीं करेंगे।
सहायक बही में हम इसकी प्रविष्टि कर सकते हैं, और या फिर जब हम सोना एंड कंपनी की का अकाउंट बनाएंगे या फिर हम अलग से सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर हम इसकी प्रविष्टि करेंगे। 23 दिसंबर को सोना एंड कंपनी से 300 रुपए कटौती घटाकर शेष राशि का चेक प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर हमको क्योंकि चेक मिल रहा है तो यहाँ हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सोना एंड कंपनी। तो यहाँ हमारी एंट्री डेबिट साइड में हो जाएगी टू सोना एंड कंपनी, और 35,000